आज की मेरी रेसिपी है चपली कबाब। इसके लिए मैंने आधा केजी बीफ का कीमा ले लिया है। जो चपली कबाब में मसाला जाएगा वो मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने एक केजी धनिया की हरा धनिया लिया है, 7 से 8 हरी मिर्ची ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है, अदरक ली है, सूखा धनिया लिए है साबुत जीरा लिया है, और मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है, नमक डाला है इसमें 1 चम्मच, 1-1 चम्मच जीरा और ये सूखा धनिया डाली है। अब इनको मैं कीमे के साथ चॉपर में डाल के चॉप करूंगी। और 4 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन के डालूंगी भून के। मकई का आटा है तो वो डाल लें, बेसन डाल लें, उसको भून के डालें, अच्छा नहीं डालें इसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये जो मसाले मैंने रखे हुए थे इनको भी चॉप कर लेंगे। ये सब मसाले कीमे के साथ मिक्स हो चुके हैं। चपली कबाब बनाएंगे। बड़े 4 चम्मच बेसन के मिक्स किए भून के, और कुटी हुई मिर्ची का 1 चम्मच लिया है, नमक का 1/2 चम्मच लिया है, टेस्ट के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, जीरा लिया 1 चम्मच, साबुत धनिया लिए 1 चम्मच। अभी इनको मैंने चॉप करके अभी मैं इनकी कबाब की टिकिया बनाऊंगी। ले लिया तवे पे मैं इनको कर रही हूँ शैलो फ्राई। इसमें मैंने टमाटर लगाए हैं गोल गोल काट के, अब इसको मैं फ्राई करूंगी। चपली कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप भी बनाएं, ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी रेसिपी पसंद आ रही है आपको, रायते के साथ, केचप के साथ आप ये चपली कबाब खा सकते हैं।